राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से चौधरी ने सीएम गहलोत से पीड़ितों के हक में पहल करने की मांग की। चौधरी ने कहा कि राजस्थान में दर्जन भर से अधिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों की बचत और निवेश राशि में घपला किया है, जिसकी जांच मल्टीपल जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जिससे इन निम्न एवं मध्यम आय वर्गीय लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बचत राशि इन सोसाइटी में जमा थी और वो कर्मचारी जो इनमें कार्यरत थे, ये लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। चौधरी ने कहा कि जांच एजेंसी को भी गति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी मामले में पीड़ित गरीबों का दर्द हमें समझना चाहिए और केंद्र सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उचित कदम इस दिशा में उठाया जाए। मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा और पीड़ितों के हक में पहल करने की उन्होंने मांग की। क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में मंत्री हरीश चौधरी का यह पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा गया। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार से भी हमें मांग करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत थे वो अब सड़कों पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा गया मंत्री हरीश चौधरी द्वारा, पीड़ितों के हक में पहल करने की इस पत्र के द्वारा मांग की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार से भी मदद की मांग करनी चाहिए। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, ये एक खास बात निकलकर आई है कि पीड़ितों के हक में पहल करने की मांग यहां पर मंत्री हरीश चौधरी के द्वारा की गई। क्या क्या मांगे उन्होंने इस पत्र में लिखी जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने की? बिल्कुल, देखिए, मनीषा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका बड़ा घोटाला राजस्थान में हुए हैं। बिल्कुल, दर्जन भर से अधिक जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी ओर से जो लोग हैं उनके जो बचत का पैसा था, निवेश उन्होंने सोसाइटी में किया था, वो सारा पैसा डूब गया, उन्होंने दिवाला निकाल दिया। तो ऐसे में हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मांग की है कि जो इन सोसाइटियों के खिलाफ राज्य सरकार जांच करवा रही है, जांच में तेजी लाई जाए, साथ ही जो लोग प्रभावित है इन सोसाइटियों से, जिन्होंने अपनी बचत का पैसा इन सोसाइटियों में जमा करवाया था ताकि भविष्य में वो पैसा काम आ सके, ऐसे लोगों को राज्य सरकार की ओर से कुछ राहत देने का प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए कि इन ऐसी सोसाइटियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए ताकि जो लोग इन सोसाइटियों में रोजगार पा रहे थे, साथ ही जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बचत का पैसा इनमें जमा करवाया था, उन लोगों को राहत देने का प्रयास राज्य सरकार को और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए और राज्य सरकार को भी इसकी पहल करनी चाहिए। ये हरीश चौधरी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पत्र के माध्यम से मांग की है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, मंत्री हरीश चौधरी ने एक पत्र के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि पीड़ितों का उनका जो हक है वो दिलाने में सरकार को मदद करनी चाहिए और साथ ही केंद्र सरकार से भी मदद की मांग करनी चाहिए।